जी तो नाज़रीन, ट्रेन चल पड़ी है। अभी हम रास्ते में आने वाले पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पथरियाटा के पहाड़ हैं, जहाँ पर चेयरलिफ्ट भी है। एक्सप्रेसवे भी इसी साइड पे है। पथरियाटा के पहाड़ सतह जमीन से 8000 फीट बुलंदी पर हैं। जी तो नाजरीन, अभी हम पथरियाटा चेयरलिफ्ट पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम आपको चेयरलिफ्ट की सैर भी करवाएंगे और यहाँ पर मौजूद सियाहों के व्यूज भी लेंगे। जी तो नाजरीन, अभी हम पथरियाटा चेयरलिफ्ट के करीब मौजूद हैं। यहाँ से लोग चेयरलिफ्ट के जरिए पूरे मरी की सैर करते हैं और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। आगे चलकर हम आपको मज़ीद व्यूज़ दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम चेयरलिफ्ट पे बैठे हैं। हम आपको यहाँ से पूरे मरी के व्यूज़ दिखाएंगे और साथ साथ चेयरलिफ्ट की सैर भी करवाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जी तो नाज़रीन, अभी हमने आपको चेयरलिफ्ट की सैर करवाई थी, इससे आगे हम आपको चेयर कार की सैर करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम चेयरलिफ्ट कार में बैठ गए हैं। यहाँ से हम आगे आपको मरी के मज़ीद व्यूज़ दिखाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। जब भी ये चेयरलिफ्ट स्टार्ट होती है तो वक्ती तौर पे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन बाद में इंसान एंजॉय करता है। ये बहुत ही खूबसूरत
जी तो नाज़रीन, अभी हम चेयर लिफ्ट कार की सैर करके वापस आ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारे थे। शेख मुनीर साहब ने बहुत ही खूबसूरत इंतज़ामात किए हुए हैं और लोगों की सहूलत के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आती और दुराने सफ़र बिल्कुल भी कोई खौफ और डर महसूस नहीं होता। ये माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियां हैं। जो बहुत ही खूबसूरत हैं। वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। जी तो नाज़रीन, अभी हम चेयर लिफ्ट के डिप्टी मैनेजर शेख मुनीर साहब से बात करेंगे और उनसे चेयर लिफ्ट के बारे में मज़ीद मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस चेयर लिफ्ट के टिकट चार्जेस कितने हैं? इस वक्त जो मौजूदा चार्जेस हैं चेयर लिफ्ट के, वो 850 रुपया पर पर्सन जो है चार्ज करते हैं। और बच्चों के लिए जो है वो भी फुल टिकट है, 5 साल से ऊपर जो बच्चा है उसका पूरा टिकट है, और जो 5 साल से कम बच्चा है उसको हम फ्री कंसीडर करते हैं। सर, कितना वक्त लगता है इसमें और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लेंथ जो है, दोनों साइड पे आना और जाना तकरीबन 7 किलोमीटर इसका लेंथ है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन आधा घंटा ये वन साइड जो इसका लगता है। इसमें सबसे पहले चेयर लिफ्ट है, उसके 15 मिनट वो तकरीबन लगते हैं बेस स्टेशन तक जाने के लिए, मिड स्टेशन तक, और मिड स्टेशन से जो है वो जो हमारा टूरिस्ट है वो स्विच ओवर करता है केबल कार में, और केबल कार जो है वो उसको पतरियाटा टॉप तक ले जाती है। और इसको इस पूरे ड्यूरेशन को टाइम लगता है आधा घंटा, और इसी तरह से फिर वापसी पे आधा घंटा लगता है, और बाकी जो टाइम टूरिस्ट स्पेंड करना चाहते हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, टॉप स्टेशन पर या मिड स्टेशन पर वो अपना जो भी टाइम स्पेंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सर, आगे जो जहाँ पे ये चेयर लिफ्ट एंड होती है वहाँ पे कोई पब्लिक पॉइंट भी बनाया गया है? जी, वहाँ पर कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, और अभी एक होटल जो है वहाँ रेस्टोरेंट, उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। वो बड़ा बेहतरीन रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और वो नेशनल लेवल का रेस्टोरेंट होगा वहाँ पर। कोई अच्छी फूड चेन जो है वो उसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले लैंड का भी फैसिलिटी हम ऑफर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद जो है वो प्ले लैंड भी वहाँ पर जो ऑपरेशनल होगा, और बच्चे वहाँ पर राइड वगैरह ले सकते हैं, झूले वगैरह वहाँ पर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सर, इस चेयर लिफ्ट के हवाले से आपको क्या मसाइल पेश आते हैं, आप कुछ बताएंगे? एज सच तो कोई मसाइल नहीं है। इसकी मेंटेनेंस के हवाले से अगर आप कहें तो इसकी रोज़ाना डेली बेसिस पे मेंटेन इसको हम करते हैं, लेकिन साल में एक दफ़ा रमज़ान के दौरान जो है ना इसको हम बिल्कुल टोटली क्लोज़ कर देते हैं तकरीबन 20 दिन के लिए,
और उस दौरान जो हम इसकी प्रॉपर मेंटेन इसको हम करते हैं, और ये जो तकरीबन 20 दिन होते हैं बीच में, इसमें प्रॉपर सारा जो है ना इसका ओवरहॉलिंग होती है इसकी पूरी चेयर लिफ्ट की। सर इसके अलावा आप चेयर लिफ्ट के बारे में मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे? बस यहाँ पर जो टूरिस्ट को अगर कोई मसाइल पैदा होते हैं तो वो सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से हैं, जो कि उनको आते हुए किसी वक्त फेस करना पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें अभी कुछ करना है ताकि ये ट्रैफिक जो है इसका फ्लो ना रुके। तो इसके अलावा तो बाकी सारा अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन सारा चल रहा है सिस्टम। इसके अलावा सर आप कुछ मज़ीद बताना चाहेंगे हमें? हाँ जी, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 1990 में इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको इंस्टॉल करवाया था इसको, और ये ऑस्ट्रिया की जो कंपनी है डॉपलमेयर्स, उन्होंने इसको आके यहाँ पर इंस्टॉल किया था आज से कोई तकरीबन 30 ईयर्स अगो, और ये अभी तक माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन चल रही है, और ऐसा हमें कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें दरपेश, तो बड़े बेहतरीन तरीके आसान तरीके से हम इसको TDCP जो है वो खुद चला आ रही है इसको। तो पहले ये लीज आउट हमने किया था कुछ अरसा के लिए, लेकिन बाद में ये TDCP जो है इसको खुद से ऑपरेट कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? पीर रियाज अहमद बोदला। आप कहाँ से हैं? जिला उकाड़ा हवेली लखा शहर। आपने चेयरलिफ्ट की सैर की? की है, हमने झूला लिया है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया, बहुत इधर से अच्छा लगा, और इधर खुशगवार मूड में हिफाजत भी है, ख्याल भी करते हैं, अच्छा काम है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, तो आपके आपको मिलकर और खुशी होगी, इस खुशी में इजाफा हो गया, तो आप लोगों ने मुझे बुलाया तो बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इदारे को कामयाब करे अल्लाह ताला, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राबिया अली। राबिया आप कहाँ से आए हो? कराची से। आपने चेयरलिफ्ट की सैर की? जी बहुत मज़ा आया, हमने पिक्चर्स भी खिंचवाई हैं चेयरलिफ्ट पर, बहुत अच्छा लगा। और आप इस इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, ठंडी हवा है, बहुत एक्सपेंसिव बहुत है कराची से ज़्यादा भाई, और अच्छी भी नहीं है खाने के, गोलगप्पे लिए वो भी अच्छे नहीं है, और वो इतने एक्सपेंसिव कि हमने कहा बस भाई हमें, हमारा कराची अच्छा है। कराची बहुत अच्छा है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा चेयरलिफ्ट पे, हमने बहुत इंजॉय किया है, लेकिन बस ये कि एक्सपेंसिव बहुत है और कुछ भी नहीं, जगह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ है। आप कहाँ से हैं? बेसिकली हम सियालकोट से हैं और अभी जर्मनी में सेटल्ड हैं। तो आपको मरी कैसा लगा? आपने चेयरलिफ्ट की सैर की, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? मरी बहुत खूबसूरत है, और चेयरलिफ्ट के साथ भी सैर की, काफ़ी अच्छा रहा, व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आर्या। आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। आपने यहाँ पे सैर की, इसके बारे में हमें आप कुछ बताएंगे? जी यहाँ पे अलहमदिल्ला बहुत अच्छा लगा है हमें, बहुत, आपको पता है मौसम एक तो बहुत खूबसूरत है, ऊपर से बहुत ऊपर जो है जगह जो है बहुत अच्छी है, इसके अलावा काफ़ी सारे फूड पॉइंट्स वगैरह और व्यू बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें। आपने चेयरलिफ्ट की सैर की? बहुत खुश मज़े से, बहुत अच्छा लगा, मेरा तो खैर 3rd टाइम है, इनका 1st टाइम, इनसे व्यूज़ पूछे चेयरलिफ्ट के, इनको कैसे लगे, तो चेयरलिफ्ट का तो वैसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सबा है। और मैं, आप कहाँ से हैं? मैं कराची से आई हूँ और 1st टाइम आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो आपने चेयरलिफ्ट का की सैर की, आपको कैसा लगा? चेयरलिफ्ट अच्छी है, पर ये कि थोड़ा इसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं, फिर ये कि गरीब बंदा कैसे देगा, 850 रुपये फ़ी बनता है, वो कैसे अफोर्ड करेगा, तो बच्चों का भी साथ होता है और हम लोग को ही बहुत मुश्किल है ये सब करना, तो मेरे को हुकूमत से दरख्वास्त है इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए, और रोड भी थोड़े अच्छे नहीं थे, मेरी बहन भी गिर गई वो रोड से, ऐसा हुआ तो रोड पर, और इस पर तवज्जो दी जाए थोड़ी, और यहाँ तो बर्फ से और लोगों के लिए आसानी पेश की जाए। थैंक
थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद सयाहों के व्यू से हमें पता चला कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही महंगे दामों फराम की जाती हैं और रोड के इंतजाम भी बहुत ही खस्ता हैं। यहाँ पर कोई भी रोड बेहतर तरीके से नहीं बनाई गई। हमारी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि रोड के इंतजाम को मज़ीद बेहतर किया जाए। इसी के साथ लेबर न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।